सो यार गाइस, जैसा ही अपना OP23 अपडेट आया था फ्री फायर में, उसके बाद यार गाइस एक लोकर रूम खुला था और उसके अंदर लिखा आया था मतलब फ्री फायर एक्स मनीष्ट, जो कि बेसिकली एक कोलैबोरेशन है फ्री फायर का। और मेरे भाई आज की वीडियो शायद ऐसी वीडियो है जिसके अंदर आप एडवांस में ही जान लोगे कि उस इवेंट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और कैसे देखने को मिलेगा और कब ये इवेंट स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई यार बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे भाई, और स्पेशल वीडियोज़ के लिए यार आपकी तरफ से एक लाइक ज़रूर आना चाहिए, और चैनल पर नए हो तो यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर। सो यार गाइस, मुझे पता आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि आप बहुत तेज हो रहे हो। तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस, आज की वीडियो में आप जानोगे जो अपना मनी हीस्ट इवेंट है उसके अंदर आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो फिर यार गाइस, जो अपना पहला रिवॉर्ड है जो गाइस आपको मनी हीस्ट इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा गाइस, तो यार गाइस ये है वो रिवॉर्ड। सो गाइस यार, इस ग्लू वॉल की स्किन को देखो मेरे भाई, यार क्या अमेजिंग ग्लू वॉल की स्किन है मेरे भाई। यार एक पल के लिए इसको देखो यार, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लू वॉल की स्किन है मेरे भाई। यार इसकी रेटिंग्स है ना, कि आपको एक ग्लू वॉल कैसी लगी ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अभी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आप देखने के बाद हैरान होने वाले हो मेरे भाई। जो अपना सेकेंड अपडेट है जो कि आपको देखने को मिलेगा इस इवेंट के अंदर गाइज, वो है यार ये बंडल मेरे भाई। ये है अपना मनी हीस्ट इवेंट का बंडल मेरे भाई। तो यार बंडल भी काफ़ी अमेजिंग है, मतलब सिमिलर है, आप उसे लगा सकते हो ना, जो अपना क्रिमिनल बंडल जो थे उनसे सिमिलर है, मतलब मिलता जुलता है काफ़ी हद तक, बस मार्क्स में डिफरेंट है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग बंडल है। तो मेरे बात करें ना, तो ये जो मनी हीस्ट है ना, ये एक वेब सीरीज़ है जो कि शायद याद नहीं आ रहा मुझे किस पे आती है, वेब सीरीज़ है गाइस ये, एक अपनी इंडिया कंट्री की तो नहीं है, भारत देश की कंट्री की वेब सीरीज़ है एक। तो गाइस उसमें यार ऐसे टाइप के ही होते हैं विलन्स, तो आप देख सकते हो। तो मेरे भाई अभी तो और भी सारे अपडेट्स हैं, मतलब बहुत सारे अपडेट है गाइस, उनमें से आप जो अपना अगला अपडेट आ रहा है गाइस वो है यार गाइस। सो गाइस यार, ये बैकपैक की स्किन गाइस, यार बैकपैक आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग बैकपैक है, ये लेवल 1 के बैकपैक है गाइस। और गाइस सेकंड लेवल का जो बैकपैक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, जो इसका कॉन्सेप्ट डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस जो थर्ड लेवल का बैकपैक है गाइस, वो तो बहुत ज़्यादा ओपी कुछ यार गाइस, ये ब्रीफ केस जैसा कुछ लग रहा है जिसके अंदर पैसे वगैरह रखते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। और गाइस एक और है जो सस्ता वाला जिसे कहते हैं बैकपैक, वो भी है यार गाइस, देख सकते हो आप, ये नॉर्मल बैकपैक उसके ऊपर डिज़ाइन दिया गया है, अमेजिंग है। बाकी आप इसे पूरा देख सकते हो, आप मुझे बताना कैसा लगा आपको पूरा। जो अभी और भी कुछ चीज़ें बची हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे अपकमिंग पैट स्किन, जैसे पांडा वगैरह की पैट स्किन भी है, वो भी अमेजिंग है। तो गाइस बैकपैक डेट सीट बहुत अच्छे लगे मुझे भी, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लगे जो ये डिज़ाइन है मास्क वाला, ब्लैक मास्क और ये रेड कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। तो यार गाइस बात करें कि अपकमिंग पैट स्किन्स की, तो सो यार गाइस बात करें पैट्स की स्किन की, तो यार मेरे पांडा की स्किन देख सकते हो भाई, लाल टमाटर बना दिया गया है इसे बिल्कुल ही। और बात करें आप किटी की, तो यार किटी को भी मतलब पता नहीं क्या ही पहना दिया गया है, लेकिन जो भी है यार बहुत सही लग रहा है इन पैट्स के ऊपर। बाकी यार ओटोरो पैट जो है अपना, उसको बेसिकली काफ़ी लोग यूज़ करते नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस देखो, इवेंट से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। बाकी यार हमारी जो अपकमिंग वीडियो आने वाली है वो इस वीडियो से कहीं गुना ज़्यादा अलग लेवल की ओपी वीडियो होने वाली है। तो मेरे भाई वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे भाई काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो में, तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी यार आप समझदार हो, आप कर दोगे सब कुछ। तो यार देखो, बात करें इस पूरे इवेंट की, बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्यों आया, बात करते हैं। सो यार गाइस बात करें इस कोलैब की जो कि मनी हीस्ट और फ्री फायर के बीच में है। तो गाइस यार जो कोलैब किया गया है बेसिकली, आपको शायद पता ना हो, तो ये कोलैब जो किया है ये मनी हीस्ट जो वेब सीरीज़ है उसने किया है फ्री फायर के साथ। तो बेसिकली होगा क्या कि फ्री फायर को आई थिंक पैसे वगैरह मिले होंगे कि मनी हीस्ट का प्रमोशन करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है गाइस, ये मेरा ओपिनियन है। तो बेसिकली आप मनी हीस्ट और फ्री फायर के कोलैब से रिलेटेड मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ बेसिकली जाते जाते। तो बेसिकली बात, ये जो मनी हीस्ट है, ये जो सीरीज़ है, इसको पॉपुलराइज मतलब इसको ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए ये जो कोलैब किया गया, ताकि फ्री फायर जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि फ्री फायर एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, अराउंड 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो गाइस देखो सच बताऊँ तो मुझे भी मनी हीस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब अब कोलैब हुआ है तो मुझे भी थोड़ी जानकारी मिली है मनी हीस्ट के बारे में। तो वैसे ही यार पॉपुलर करने के लिए बस ये कोलैब किया गया है। तो बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में जाना पसंद करूंगा नहीं। तो यार गाइस दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लगी हो या ना लगी हो, बस मज़े आ गए यार।